हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका मेरे चैनल खुशी शो गया पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक रिव्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू वीडियो लेकर आई हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका मेरे चैनल खुशी शो गया पर। इन टुडेज़ वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू ए वेरी क्विक रिव्यू विच इज ब्रांड फ्रॉम लैकमे एंड दिस इज अ कंसीलर। सो आई एम गोइंग टू गिव यू ए क्विक रिव्यू ऑफ दिस कंसीलर। सो प्लीज़ बिना किसी देरी के और वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं और बिना स्किप किए इस वीडियो को जरूर देखना। एंड यस, इफ यू विल लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू विल मे बी दिस वीडियो विल हेल्प यू, सो यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली ऑल्सो। मुझे बहुत अच्छा लगेगा पर्सनली। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो दिस इज द लैकमे 925 प्राइमर प्लस मैट लिक्विड कंसीलर एंड हियर इज प्राइस। एज यू कैन सी 400 एंड क्वांटिटी आपको इसमें मिल जाती है 5.4 ml की एंड बेस्ट बिफोर है 124। सो दो साल तो आपको चलेगा ही चलेगा। और आप देख सकते हो यहाँ प्राइमर प्लस मैट लिक्विड कंसीलर व्हाट्स गिव्स यू। इट्स गिव्स यू अ यूनिक कंसीलर विथ बिल्ड इन प्राइमर। ऑलरेडी इसमें प्राइमर इन बिल्ट है और ये नेचुरल फिनिश देता है आपको और फ्लॉलेस लुक देता है विथ मैट फिनिश। एंड इसमें है SPF 25 और जितने भी आपके डार्क स्पॉट्स हैं, सर्कल्स हैं, ब्लेमिशेस हैं एंड फाइन लाइंस है उसको ये रिड्यूस करता है और कंसील आउट करता है। सो दिस इज द आउटर पैकेजिंग ऑफ दिस कंसीलर। सो पॉकेट फ्रेंडली है, आप इसको कहीं भी रख सकते हो और बहुत ही लाइट वेट है इसका और बहुत ही अच्छी तरीके से ये क्लोज हो जाता है, नो डाउट। एंड दिस इज द लुक एट दिस। सो इफ़ यू हैव अ डस्की स्किन, मीडियम टू डस्की स्किन, सो यू कैन यूज दिस सेट विच इज 34 आलमंड्स। आई ऑलवेज यूज आलमंड्स सेट्स। फाउंडेशन हो या बीबी क्रीम हो और कंसीलर हो, सो आई ऑलवेज गो फॉर द शेड नंबर इज आलमंड एंड बिगन। दिस काइंड ऑफ शेड आई ऑलवेज गो फॉर इट बिकॉज माई स्किन टोन इज मीडियम टू डस्किंग आई थिंक, सो दैट्स वाई आई ऑलवेज यूज दिस काइंड ऑफ सेट्स। सो लेट्स ट्राई आउट दिस कंसीलर। सो आई थिंक मुझे लगता है कि जो मेरे अंडर आइज हैं उन पर उतना पिगमेंटेशन नहीं है, आई होप एज यू कैन सी। सो आई हैव अ हाइपर पिगमेंटेशन अराउंड माई लिप एंड माउथ एज यू कैन सी। आई थिंक आई हैव। सो आई डोंट नो वॉट यू थिंक अबाउट माई स्किन, सो लेट मी कॉमेंट सेक्शन, आई विल नो ऑल्सो। एंड लेट्स ट्राई आउट दिस कंसीलर। सो आई विल यूज दिस कंसीलर ओनली लिटिल बिट ऑफ ऑन माई डार्क सर्कल। रिसेंटली मुझे दो बहुत बड़े पिम्पल्स आ चुके थे यहाँ और यहाँ। सो जहाँ जहाँ मुझे थोड़े मुझे लग रहे हैं कि मुझे वहाँ अप्लाई करना चाहिए, वहाँ वहाँ मैं अप्लाई करूँगी। और मैंने पहले से ही लगा करके रखा है, यहाँ पर थोड़े बहुत दाग है मुझे, तो मैं उसको कंसील आउट करने की कोशिश करूँगी। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर थोड़े गड्ढे हैं तो वहाँ पर मैं इसको यूज़ करूँगी ऑफकोर्स। तो मैं सोच रही हूँ कि ब्रश यूज़ करूँ या क्या, चलो अंडर आई एरिया पर लगा ही लेती हूँ मैं। सो थोड़ा बहुत लगा लेती हूँ ताकि, क्योंकि रिव्यू वीडियो है तो मुझे अच्छे से रिव्यू भी करना है इसको। तो इफ़ आई विल नॉट यूज ऑब्वियसली आई कांट गिव यू रिव्यू। सो एज यू कैन सी दैट मच। सो लेट्स ब्लेंड इट ऑल। सो आई विल ब्लेंड इट विथ दिस ब्यूटी ब्लेंडर। आई थिंक मुझे लगता है कि ब्यूटी ब्लेंडर से नेचुरल फिनिशिंग मिलती है और ब्रश मुझे उतने अच्छे नहीं लगते हैं ब्लेंड करने में। तो इसमें 8 सेट्स जो है वो अवेलेबल हैं, सो आप अपने स्किन टोन के अनुसार उसमें से पिक कर सकते हो। बस ब्लेंड जल्दी नहीं हो रहा था तो वीडियो को मैंने 8 की स्पीड पर चला कर रखी है। सो देखो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, एज यू कैन सी अपनी आँखों से ही देख लो। सो ये जो पिंपल्स के दाग है वो रह गए हैं और रेस्ट ऑफ द मेकअप जो है वो ठीक ही लग रहा है मुझे। और बात करो अगर कवरेज की, आपको कवरेज देता है या नहीं, सो इट गिव्स यू कवरेज बिकॉज आप देखो इधर के जो मेरे जितने भी छोटे बहुत के जो भी धब्बे वगैरह थे वो कंसील आउट जरूर से हो गए हैं। सो मेरी जो स्किन है वो एकदम से फिनिश लग रही है। मुझे ये अच्छा लगा, इसका चीज़ जो मुझे अच्छा नहीं लगा वो ब्लेंडेबल नहीं है, आपको इजिली ब्लेंड नहीं होता है, ये बहुत हार्ड वर्क करनी पड़ेगी आपको इसको ब्लेंड करने में। सो आई विल बी राइट बैक आफ्टर माई डूइंग ऑफ रेस्ट ऑफ मेकअप। बात करते हैं रिव्यू की, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो सी एवरी वन हैज़ अ डिफरेंट पर्सनैलिटी एंड एवरी वन हैज़ डिफरेंट चॉइस, सो इट इज़ डिपेंड ऑन यू आप लेना चाहते हो या नहीं। मेरी तरफ से तो हाँ है। देखो
अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी, दोनों की दोनों चीज़ें। सो अगर बात करूँ कि आपको नेचुरल फिनिश देता है या नहीं, यस आपको नेचुरल फिनिश देता है। एंड सेकेंड थिंग, ये आपको नेचुरल फिनिश देने के साथ साथ मैट फिनिश भी देता है। और थर्ड जो है वो इसमें है SPF 25, जो एक अच्छी बात है। अगर सनलाइट वगैरह में आप जाते हो तो SPF आपको तो ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। और नेक्स्ट है कि आपके जितने भी कवर्स हैं, डार्क सर्कल्स हैं, ब्लेमिशेस हैं और जितने भी फाइन लाइन्स आपके स्किन पर होते हैं, उसको ये हाइड करता है या नहीं। हाइड करता है, ऑफकोर्स हाइड करता है ये। सो आपको मैंने दिखाया जितने भी मेरे छोटे छोटे जो दाग वगैरह थे वो चले गए थे। रेस्ट ऑफ दिस टू जो कि मुझे हो गए थे अभी रिसेंटली, सो ये भी गए नहीं है। अभी हल्का हल्का जो है ना वो मुझे पेन है ही इसमें, सो इसको तो मैं काउंट नहीं कर सकती बिकॉज अभी ये गए नहीं है। सो ऑल ओवर जो मेकअप है वो मेरा आप देख सकते हो, मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगाया है। जो मैंने कंसीलर है बस वही यूज़ किया है, और उसके बाद मैंने एक कॉम्पैक्ट यूज़ किया है एंड लिपस्टिक विद बिंदी आई हैव डन ना। सो आप देख सकते हो मेरी तरफ से तो हाँ है, बहुत अच्छा कंसीलर है नो डाउट। नॉर्मली जो ऑयली स्किन वाले होते हैं उनको एक मैट फिनिश वाली चीज़ें ही चाहिए होती है, कंसीलर कह लो, बीबी क्रीम कह लो या कुछ भी ले लो, कॉम्पैक्ट ही ले लो अगर आपकी, क्योंकि समर सीजन में तो और भी प्रॉब्लम होती है। हमारी स्किन जो है वो नेचुरल ऑयल खुद ही रिड्यूस करती है, और ऊपर से सन वगैरह जो भी है समर सीजन में आप जानते हो स्वेटिंग वगैरह भी बहुत ज़्यादा होती है। सो उस टाइम के लिए आपको ये बेस्ट रहेगा। बहुत मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यार, मैं इसको लगा करके और कॉम्पैक्ट के साथ भी जा सकती हूँ, मुझे देख लो बहुत अच्छा लग रहा है। और आप भी देख लो, बहुत अच्छा फिनिश हुआ है, हाईली रिकमेंड, गो फॉर इट, पैसे वसूल हैं इसको लेने के बाद, बहुत अच्छा है, ले सकते हो। तो अच्छी चीज़ मुझे जो इसकी नहीं लगी वो ये लगी कि इसको ब्लेंड करने में आपको आपके हाथ जो है वो बहुत ज़्यादा पेन होने वाले हैं, क्योंकि जल्दी ब्लेंड नहीं हो रही थी, ब्लेंडेबल ये नहीं है। अगर जस्ट अपने फेस पर अप्लाई करो और उसके बाद जस्ट तुरंत ही अगर अप्लाई आपने इसको ब्लेंड नहीं किया है, सो आपके जो हाथ है वो डेफिनेटली दर्द होने वाले हैं। क्योंकि मैंने इसको अपने फेस पर लगा लिया था, उसके बाद मैं भूल गई थी ब्यूटी ब्लेंडर को वेट करना और उसके बाद अप्लाई करना, सो मुझे थोड़ा बहुत उसमें लेट हो गया और उसके बाद वो जल्दी ब्लेंड नहीं हो रही थी। आई थिंक इसी वजह से, आई डोंट नो, आई थिंक ये मैट फिनिश देता है शायद इस वजह से भी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल, बाय बाय।